लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, तो पाकिस्तानी इन्फॉर्मर है हमारी फ्रीक्वेंसी पे। यस सर। पीछे जा रखे हैं और जो यहाँ पर है वो उन्हें बाएं तरफ लगा रखे हैं। ओवर। तुम इस कुत्ते को ट्रेस कर सकते हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, 10 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए और पश्चिम की तरफ। चलो। Where the hell is he going? पता नहीं साहब जी, कितने गए? जीप लेकर आओ। ठीक है साहब जी। वहां उस तरफ सर। वहां उन घरों के आसपास होना चाहिए सर। समझानी नंबर 20 यहाँ पर होंगे वाला में हिंदुस्तान की नफरी तकरीबन 120 के लगभग है। ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। पता कोई गांव वाला जख्मी हो गया है। अरे जख्मी नहीं, वो मर। लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दो, अगर लावारिस हो तो उसे बाईस से दफना देना। सर, बात समझ नहीं आई। चलो। धर्मवीर, आई एम रेकमेंडिंग यू टू द सीईओ फॉर अ गैलेंट्री अवार्ड। थैंक यू सर। दुश्मन का इन्फॉर्मर। किसने मारा इसे सर? खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे जवान हो जाते हैं। अल्फा 1 टू डेल्टा 1, क्या बॉर्डर पिलर क्लियर है? ओवर। डेल्टा 1 टू अल्फा 1, आज
सब क्लियर है, दुश्मन की कोई हरकत नजर नहीं आई। ओवर। ओवर एंड आउट। इन पाकिस्तानियों को पागल कुत्ते ने काटा जो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आएंगे। अरे जाएंगे पंजाब या कश्मीर जहाँ खुशहाली है, हरियाली है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अरे यहाँ कौन सा शहर है, मिलो उजाड़ बियाबान रेगिस्तान, जहाँ साला ना चाहते हुए भी इंसान दिन में आधा किलो मिट्टी खा जाता है। ए, 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 ए। धरती जैसे भी है तो हमारी अपनी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या है इस धरती में, पैदा करती है कांटेदार झाड़ियां या फिर बिच्छू? शायद तुम नहीं जानते, ये धरती शेर भी पैदा करती है। मिट्टी से पैदा होने वाले शेर मिट्टी के ही होते होंगे। जी नहीं, दूसरों को मिट्टी में मिलाने वाले शेर। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम अगर फौज के सूबेदार ना होते तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझाता। अच्छा, ये लो, अब तो मैं सूबेदार भी नहीं, बताओ क्या बताना चाहते हो? मेरी जुबान से मेरे हाथ से ज्यादा अच्छा बोलते हैं। पूछता हूँ सर, जो माँ बदसूरत होती है क्या उसके बच्चे उसे प्यार नहीं करते, क्या उसे इज्जत नहीं देते? नो सर, इसने मेरी माँ को गाली दिया सर, मेरी धरती माँ को गाली दिया है। डोंट डिसओबे माय ऑर्डर्स। सॉरी सर। मथुरा दास, भैरव सिंह से माफी मांगो। भैरव सिंह, इसे भाई समझकर गले लगा लो। What are you waiting for? चल, शाबाश। माफी चाहता हूं। Will we ever see action, sir? दुश्मनों का इंतजार करते हुए बहुत थक गए हैं सर। I hope you'll never see action. समझा? Sir, may I ask you a very personal question? Yeah, go ahead, but don't make it too personal. सर, आपने शादी क्यों नहीं की? सोचा था आजाद पंछी की तरह उड़ूंगा, मगर एक ऐसी लड़की मिली जो किसी के सामने नहीं झुकती थी। ठीक है, भगवान को मानती तो नहीं, लेकिन उनके नाम से भी चिढ़ा आपको? जी, मुझे हर उस चीज से चिढ़ है जो इंसान ने अपने मतलब के लिए बनाई है, और भगवान उनमें से एक है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी शक्ति होगी जिसके सामने आप झुकती हैं? जी नहीं, मैं किसी के आगे नहीं झुकती। भगवान तो बहुत दूर की बात है, हम जैसे इंसानों के सामने झुकना सिखा दूंगा। आप सिखाएंगे? Try it. Definitely. Impossible. Wanna bet? शर्त होगी? Okay. Coffee. Roger. मगर एक कप, आधी आधी पियेंगे। We'll share something. Uh-huh. I like your confidence. Done. ठीक है, तो कल सुबह 800 आवर्स आप एक ही जगह पर 5 मिनट के लिए रुकी रहें। कहाँ? Yeah.
हाय गाइस, हाय। हाँ, मैं किसी के सामने नहीं झुकती। सर क्या हुआ? डेड डक। सर ट्रबल। यू रास्कल। ओ लैंग्वेज लेडी। यू स्काउंडरल, आई कैन किल यू। दैट वाज चीप। ये कोई तरीका किसी को झुकाने का? मगर आप किसी के सामने झुकी तो। लुक मिस्टर, मौत के डर से कोई भी झुक जाएगा। चलो डरी सही, आप भगवान को डर का नाम दे सकती हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। I'm sorry, भाई। Sorry बोलने से कुछ नहीं होगा। That was cheap. I hate you. I won't see you again. I won't see you. I don't want to speak to you I'm ever really sorry, again. Yeah. Never, never, never. I'm sorry. Hey, I'm sorry. I don't want to speak to you. Hey, watch out! Watch out, Rupali! Watch out! उसको तो झुका दिया, मगर अपने पर का शादी का फैसला कर लिया। बारात में चलोगे तो नाचना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। फौज की मूवमेंट शुरू हो चुकी है सर, अब मामला दूर नहीं, हमें दुश्मन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो द न्यूज। द प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी टुडे आस्क्ड द सो कॉल्ड बिग नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर सुपीरियरिटी नॉट टू ऑर्डर इंडिया टू डू व्हाट दे विश्ड। द टाइम्स हैव पास्ड when any nation sitting 3,000 or 4,000 miles away would give orders to Indians, Mrs. Gandhi said. Today we will do what is best in our national interest and not what so-called... आप तो सब समझते हो साहब, मगर ये तो बताओ, लड़ाई कब शुरू होगी? कमबख्त दुश्मन ना तो आगे बढ़ता है, ना हमारी जान छोड़ता है। गुरनाम ठंड रख ठंड। महीनों से यहाँ पड़े हैं साहब, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। अब जो होना है उसे हो जाने दो साहब। दुश्मन आगे नहीं बढ़ता है तो मरने दो, हमें आगे बढ़ने दो साहब। हमारे हाथ में कुछ नहीं वरियाम सिंह, तुम अपनी पोजीशन संभालो। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। सब खैरियत तो है सूबेदार साहब? मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं? ऐसी भी क्या तकलीफ है मथुरादास कि तुम घर जाना चाहते हो? तकलीफ ये है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है, मेरे बच्चे को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है, महीनों से यहां सड़ रहे, साली कोई चिट्ठी भी तो नहीं आती। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं मथुरादास। यार हरि सिंह, देख मेरा भाई नानू पास हो गया यार। वाह क्या बात है।
मस्त राम जी। हाँ जी। ये क्या है? चिट्ठी है जी। आप बताइए। चिट्ठी है? दुर्घटना। मेरे चेहरे पे कभी इतनी खुशी देखी? नहीं जी। ओ जवाना, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं कर जा रहा हूँ। और राम सिंह, टाइम क्यों है? और टाइम क्यों है? पौने दो। ओ गड्डी तो टाइम हो गया। चंगा जी, राम राम। राम राम। राम राम। और रंजीतिया, और रंजीत पाजी, और मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है, मैं बापू ने कुछ कहना? कह देना जी, सब ठीक। चंगा जी, चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ओए मंजीतिया, मंजीतिया, हाथ मिला, हाथ मिला। मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है मैं। चंगा, कैसे दी तो बन गई छुट्टी? हाय हाय, मुंह लटका के बैठने वाले, बैठो। मैं तो चलिया कार। ओ सुखदेवा, ओ सुखदेवा, कार जा रहा है मैं, घर वालों को कुछ कहना? कह दियो साहब, चिट्ठी लिखते रहन। चंगा चंगा, राम राम जी, मैं जा रहा। रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे। जा अपनी बीवी को संभाल। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का यह बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। बता, अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में हो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बता, ऐसा जंग की ना जिता गया। मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, इतने सारे लड़ाई मॉडल।